सीधे लेके चलते हैं आपको जालौन के ओरई में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में। उस पर निरीक्षण सैटेलाइट से होगा और अवैध रूप से कोई खनन करेगा तो समझ लीजिए उसका ठेका भी गया और वो भी गया। ये बुंदेलखंड के लोग, उनको पूछो, किसी भी बुंदेलखंड वाले को पूछो क्या करते हो भाई, तो चार में से एक तो ऐसा ही कहेगा मैं ठेकेदार हूं। बस न उद्योग है न धंधा है न कारोबार है, फिर भी वो ठेकेदार है। किसका? वो जनता जनार्दन या अपने पसीने से काम करने की ठेकेदारी नहीं कर रहा है, लखनऊ में बैठे हुए लोगों का ठेकेदार बन के यहां उनके इरादों को पूरा करने का पाप करता है भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड को इन संकटों से बाहर निकालना है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज हमारा यूपी गरीब से गरीब मां बाप भी को पूछोगे कि आपकी क्या इच्छा है, गरीब से गरीब मां बाप कहेगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। गरीब से गरीब मां बाप, उसकी यही इच्छा है कि भाई चलो हमारी जिंदगी तो गई है, बुढ़ापा गुजार लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि प्राथमिक शिक्षा में जो प्रवेश होता है हिंदुस्तान के पहले 20 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है मेरे भाइयों बहनों, तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? और बुंदेलखंड में तो इससे भी बुरे हाल इन्होंने करके रखे हुए। अगर बच्चों की पढ़ाई ये उनकी चिंता का विषय नहीं है तो आने वाला उत्तर प्रदेश कैसा होगा, आने वाला मेरा बुंदेलखंड कैसा होगा, हर गरीब परिवार का हाल क्या होगा, ये भाइयों बहनों हमने इस चुनाव में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एवरेज, औसत कितनी कमाई करता है एक व्यक्ति, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य ये प्रति व्यक्ति आय में भी पहले 20 राज्यों में उसका नामो निशान नहीं है। गरीबी घर घर अपने पैर जमा करके बैठ गई है भाइयों, और उसका कारण यहां पर भ्रष्टाचार, कुशासन, इन्हीं लोगों की ऐसी जुगलबंदी है कि जिसने हर घर में गरीबी की जड़ें जमा के रखी हुई है, उन गरीबी से हर परिवार को बाहर लाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, सपा बसपा कांग्रेस के चक्कर से निकलना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। मैंने एक सभा में कहा था कि भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है, स्कैम के खिलाफ। तूफान मच गया, तूफान। मैंने कहा स्कैम के खिलाफ लड़ाई है, स्कैम मतलब घोटाले, अंग्रेजी में स्कैम बोलते हैं, और स्कैम में चार अक्षर होते हैं SCAM। और इसलिए मैंने कहा स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती।
इस देश में घोटालों में भी ईमानदारी देखने वाले, घोटालों में भी सेवा का देखने वाले एक नेता को ये भी समझ नहीं आया कि मोदी का जवाब कैसे देना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में कह दिया कि स्कैम मतलब हमारे यहां तो ऐसा सेवा होता है। बताओ, अब जिनके लिए स्कैम अगर ये सेवा है तो आपको ऐसी सेवा चाहिए क्या? ऐसी सेवा चाहिए क्या? ऐसा स्कैम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, ये चुनाव में आपको मौका है इस स्कैम को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह निकालने का, बुंदेलखंड से पूरी तरह निकालने का आपको एक मौका है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज अगर उत्तर प्रदेश में तीन चरण के चुनाव पूरे हो गए, मैं इन तीन चुनाव चरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि शांतिपूर्ण रूप से उन्होंने मतदान करवाया है। लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है। और भाइयों बहनों, तीन चरण के मतदानों के साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत। सब इकट्ठे हो गए और सबके सब, सपा एक कहे तो बसपा दूसरा कहे कि ना कहे, सपा कहे सुबह है तो बसपा कहे रात है, ऐसा है कि नहीं है? सपा कहे पूरब जाएंगे तो बसपा कहे पश्चिम जाएंगे, ऐसा है कि नहीं है? एक दूसरे के घोर विरोधी है कि नहीं है? लेकिन मैं हैरान था जब मैंने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, काले धन वालों का हिसाब मांगा, तो सपा बसपा कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए और सबके सब, सपा एक कहे तो बसपा दूसरा कहे कि ना कहे, सपा कहे सुबह है तो बसपा कहे रात है, ऐसा है कि नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है वाराणसी में यूपी सरकार 24 घंटे बिजली देती है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि यूपी में धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, रमजान और दिवाली में बिजली देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से यहां पर बयानबाजी चल रही है उससे इतना जरूर साफ है कि यूपी में चुनावी माहौल गर्म है। और प्रधानमंत्री के कल के बयान को लेकर बकायदा अखिलेश यादव ने यहां पर टिप्पणी कर दी है। गुजरात के विज्ञापन पर भी कहा है, अब टीवी पर गधों का विज्ञापन आता है, अमिताभ जी से कहूंगा गधों का ऐड ना करें। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। अभी तो कमाल हो गया, उन्होंने कहा कि बताओ दिवाली पर और रमजान पर हम 24 घंटे बिजली देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। काशी के होते होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। समाजवादी सरकार ने वहां 24 घंटे बिजली दी है,
हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। अखिलेश यादव ने टीवी पर आ रहे गुजरात सरकार के एक विज्ञापन का हवाला देकर कहा है कि वो सब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कहेंगे कि ऐसा विज्ञापन ना करें। गुजरात के विज्ञापन पर अखिलेश कवार कहा कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कहेंगे कि वो टीवी पर ऐसा विज्ञापन ना करें। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा क्या, एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है। और हम तो बदकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने एड देखा होगा वो जानते होंगे, बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है।